ओम शांति। हम सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी हैं। सेवा बाबा की है, सेवा विश्व कल्याण की है, बिल्कुल स्पष्ट है। विश्व कल्याण वही कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं का कल्याण किया हो। दूसरों को पवित्र वही बना सकते हैं जिन्होंने स्वयं में पवित्रता की धारण शक्ति धारण की हो। दूसरों को भगवान से वही मिला सकते हैं जो रोज उससे मिलन का श्रेष्ठ अनुभव करते हो, जो उसके मिलन में रहते हो। दूसरों पर अपनी वाणी का प्रभाव वही डाल सकते हैं जो आत्मिक भाव में और श्रेष्ठ स्वमान में रहते हो। तो हम सेवा करें, लेकिन सेवा स्वरूप न बन जाएं। सेवा करना बहुत उत्तम है, सेवाओं में सेवा भाव रखना और भी उत्तम है, लेकिन सेवा के अभिमान में आ जाना, सेवा कॉन्शियस हो जाना, सेवा सेवा रह जाए, साथ में सारा कुछ साथ छूट जाए, ये किसी भी तरह से कल्याणकारी नहीं है। तो जो सेवाओं में व्यस्त हैं, उन्हें सेवाओं की व्यस्तता के साथ साथ ज्ञान और योग को भी उसमें शामिल रखना चाहिए। बहुत हल्के रहकर सेवा करेंगे, निमित्त भाव से सेवा करेंगे, बाबा हमें साथ दे रहा है, इस गुड फीलिंग से सेवा करेंगे, तो महसूस होगा सर्वात्माओं का सहयोग सहज ही हमें मिलता जाता है। जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ती है, हमें सहज ही सहयोग प्राप्त होता है। चाहे तन का सहयोग हो, चाहे धन का सहयोग हो, चाहे हिम्मत उत्साह बढ़ने का सहयोग हो, अपना भी सहयोग रखें उमंग उत्साह बढ़ाने का, और दूसरों को भी सहयोग दें उन्हें उमंग उत्साह में रखने का। तो सेवाओं के फील्ड में सफल वही है जो सब में आत्मिक भाव रखते हो, भेदभाव न हो। भेदभाव रखने से टकराव पैदा होते हैं, क्योंकि सेवा के फील्ड में यदि टकराव हो गया तो सेवा के क्षेत्र पर वातावरण बहुत भारी हो जाते हैं और आने वाली आत्माओं को सुख नहीं मिलता। हम सेवा कर रहे हैं सबका कल्याण करने के लिए, लेकिन हमने वातावरण को भारी बना दिया हो तो सबका कल्याण कैसे होगा। सेवा केंद्र पर भी यदि हम सेवाओं की सफलता चाहते हैं तो अपने सेवा केंद्र के वातावरण को बहुत पावरफुल बनाएं, शांतिमय बना दें, पवित्रता से भरपूर करें, अंतर्मुखता से संपन्न करें, ताकि जो भी आत्माएं आपके पास आए उन्हें अलौकिक अनुभूति होने लगे। अगर सेवा केंद्र पर केवल बाह्य बातें होती रहें, अगर अलौकिक अनुभूति किसी को ना हो, तो ऐसी सेवा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। तो आइए हम सेवा से दूसरों को भी सुख दें और सेवा से स्वयं भी बहुत सुखी हो जाएं। अपनी सेवाओं से दूसरों को भी बल प्रदान करें और हमारी सेवाएं हमें भी बहुत बल दें। हमारी सेवाओं से दूसरों में भी पुण्य कर्म करने के भाव पैदा हों और हमारी सेवाएं हमारे लिए भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म हो जाए। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, अगर हम टकराव से मुक्त हैं, अगर हम अपनी टीम को उमंग उत्साह में रखते हैं, तो हमारा पुण्य बहुत बढ़ता जाता है। लेकिन टीम में हमारे द्वारा किसी को डिस्टरबेंस होता है, हमारे द्वारा कोई बाबा से दूर चला जाता है, हमारा व्यवहार किसी को भगवान के समीप नहीं आने देता, किसी का योग नष्ट कर देता है, तो ये सेवा नहीं, सेवाओं में डिस्टरबेंस होता है। इससे सेवा करने वालों को सुख नहीं मिलता, बल्कि उनका अहम ही बढ़ता है, जो हर तरह से अहितकर है।
तो आइए आज सारा दिन अपनी सेवाओं का स्वाद चखते रहें और सेवा करते रहें विश्व को सकास देने की, सभी आत्माओं को सुख शांति प्रदान करने की। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ और मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, सभी के दुख हर रही हैं। ये अभ्यास आज सारा दिन करेंगे। ओम शांति।